आबूरोड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड अजमेर से लेकर आबूरोड तक 7 स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगवाने की स्वीकृति प्रदान की है। इनका इंस्टॉलेशन और रखरखाव की जिम्मेदारी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मंडल को उठानी होगी। इस पत्र की प्रतिलिपि रेलवे की क्षेत्र में सुविधाओं के लिए सालों से संघर्षरत आबूरोड के मिनीचंद अग्रवाल के पास भी आई है। उन्होंने ही ये जानकारी साझा की। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड DFCCIL की ओर से जनरल मैनेजर ब्रिजलाल द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग शाखा के डिविजनल इंजीनियर को लिखे पत्र में बताया गया है कि मदार जंक्शन, दौराई जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना, पिनरवाड़ा, जवाई बांध और आबूरोड रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने की सशक्त स्वीकृति प्रदान की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, DFCCIL के द्वारा अजमेर को इसके लिए 8,39,10,278 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे उक्त स्टेशनों पर 10 एस्केलेटर और 3 लिफ्ट स्थापित करनी है। इसके लिए स्थानों का चयन अजमेर डिवीजन ही करेगा। सागर भाई अग्रवाल व नीमीचंद अग्रवाल के संयुक्त प्रयास का ही नतीजा है कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण आदर्श रेलवे स्टेशन आबूरोड की जनता व आने वाले यात्रियों को इसकी सुविधा जल्द मिल पाएगी। यात्रियों को ऊपर चढ़ती हूँ, मैं खुद नहीं चढ़ सकता हूँ, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है इसको अति शीघ्र कराया जावे और इसको बार बार रोका नहीं जावे, अन्यथा ये 2 महीने हो गए मेरे ख्याल से ये काफी हद तक बन जाता है। इसलिए मेरा आप सभी प्रशासन अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये बहुत गंभीर समस्या है।